यहाँ पर आया है बड़ा वाला मोर, लेकिन इसका पंख, अरे बाप रे, इतना प्यारा सा फाउंटेन चल रहा है और जो फुहारे का जो हल्का हल्का छीटा है ना वो पड़ रहा है चेहरे पे, मजा आ रहा है, एक नंबर लग रहा है। कौन से पक्षी को रखा गया है वो चीज दिखाने वाले हैं। लाहौरी पिजन है, वाओ। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ कुम्हारी का नंदनवन घुमाने के लिए, और अभी इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। मेरे साथ में है मेरा भांजा हर्ष। हेलो। तो अभी हम लोग नंदनवन जाने वाले हैं और आप लोगों को पूरा नंदनवन घुमाने वाले हैं, साथ ही साथ भी बताएँगे कि कितना वहाँ का टिकट है, टाइमिंग क्या है और कब खुला रहता है कब बंद रहता है, सब चीज़ बताने वाला हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, और ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नंदनवन के पास, और जैसे ही आप नंदनवन आते हैं यहाँ पर एक साईं बाबा का बड़ा सा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड में है नंदनवन। नंदनवन के बाहर बहुत सारे गुपचुप चाट की दुकानें लगी हुई है, खाने पीने की दुकानें, नंदनवन है। और जस्ट सामने में यहाँ पर साईं मंदिर, और यहाँ कोने में पार्किंग एरिया है जहाँ 2-व्हीलर का 10 है और 4-व्हीलर का 20 रुपये है। यहाँ पर पार्क करते हैं गाड़ी पहले, उसके बाद चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर अपना गाड़ी पार्क कर दिया हूँ और वहाँ पर पर्ची कटाना पड़ेगा पार्किंग का, तो चलिए देख चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नंदनवन के पास, इधर रेस्टोरेंट वगैरह है और बाहर में गुपचुप ठेला सब लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले टिकट ले लेते हैं। खुलने का जो समय है सुबह 8:30 से शाम को 5 बजे तक है, और प्रति व्यक्ति का टिकट 20 रुपये का है, और 3 से 10 साल के बच्चों का 10 रुपये टिकट है। एक टिकट देना, तो एक तो टिकट ले लिए हैं। टिकट कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए चलते हैं अंदर। हर्ष जा रहा है सामने सामने, अरे आराम से। तो यहाँ पर आपको टिकट दिखाना होता है, और अगर आपके बैग में कुछ खाने पीने का चीज़ है तो अंदर आप ले जा नहीं पाएंगे, बाकी बैग को चेक कराना पड़ता है। और चलो बैग चेक करा लो। करा दिए हैं, हाँ करा दिए हैं बैग। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अपना बैग चेक कराना पड़ता है, अगर आपके बैग में कुछ खाने पीने का चीज़ है तो आप अंदर नहीं आ पाएंगे, आपको बाहर ही अपना बैग छोड़ना पड़ेगा। का विहार का जो है वो 20 रुपये रहता है, जिसमें 10 से 15 मिनट घुमाया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बोटिंग बंद है। बाकी आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। नंदनवन में पहले बहुत सारे जानवर थे, शेर भालू चीता ऐसे बहुत सारे जानवर थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर पक्षियों को रखा गया है, देसी विदेशी पक्षियों को, और सभी को जितने भी जानवर हैं सबको नया रायपुर जंगल सफारी रेफ़र कर दिया है। यहाँ सिर्फ आएंगे तो आपको पक्षी ही देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ गार्डन वार्डन है, यहाँ गार्डन घूम सकते हैं, साथ ही साथ देसी विदेशी पक्षी देख सकते हैं। और जैसे बच्चे बच्चे आते हैं कोई फैमिली के साथ, तो इधर झूले वगैरह भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए। झूला झूलेगा हैं हर्ष? कौन सा वाला झूलेगा, इधर वाला? जा पीछे से आ जा। इस तरह से बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, ये देखिए इधर भी झूला है, इधर भी झूला है, और ये बड़ा वाला झूला बीच में लगा हुआ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए और झूला झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा जगह है। और बाकी उधर आप देखेंगे तो उधर भी बहुत सारे झूले हैं। अभी ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको पक्षी दिखाने वाले हैं, देसी विदेशी पक्षी, तो विदेश में देखने को मिलता है वैसा पक्षी यहाँ पर रखा गया है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अंदर आएंगे तो पूरा गार्डन वाला एरिया है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, कुछ पल बिता सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। उधर फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है, तो उधर भी आपको अभी लेकर चलेंगे।
सबसे पहले आपको अभी पक्षी विहार की तरफ लेकर चलेंगे, जहाँ पर देसी विदेशी पक्षी देखने को मिलेगा। कैसे लग रहा है यहाँ के? मज़ा आ रहा है। हाँ, पहले इधर शेर चीता वगैरह को रखा जाता था, चीता वगैरह को, तेंदुआ चीता को, लेकिन अब क्या है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, नया रायपुर जंगल सफारी रेफर कर दिया है। जितने भी जानवर थे यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स को रखा गया है, देसी विदेशी बर्ड्स को। बाकी आप इधर देखेंगे तो इधर पूरा गार्डन वाला एरिया है और बहुत ही खूबसूरत है। फ़ोटोशूट वगैरह करवाने आते हैं तो बहुत ही प्यारा लोकेशन है। ये लिखा है पक्षी विहार, और जैसे ही आप पक्षी विहार के पास आएंगे, आपको हल्का हल्का बर्ड्स का आवाज़ आते जाएगा, पक्षियों का आवाज़ आते जाएगा। तो अभी एक एक करके आपको पूरा पक्षी विहार में पक्षियों को दिखाने वाले हैं। ये देखिए, एक खूबसूरत सा माहौल है, और चिड़ियों की चहचहाहट और चिड़ियों की खूबसूरत आवाज़ ही आएगी यहीं पर आएंगे तो। आप देखिए, यह आ गया नए पक्षी विहार में आपका स्वागत है लिखा है। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं, सामने में एक बड़ा सा फाउंटेन चल रहा है, खूबसूरत सा। तो काफ़ी प्यारा सा लोकेशन है दोस्तों। यहाँ पर आप आते हैं नंदनवन में तो इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, और पहले से बहुत ही बेहतर बना दिया गया है। अब देखिए, सामने बड़ा सा फाउंटेन चल रहा है। इधर एमू को रखा गया है, एमू नाम के पक्षी को, और यहाँ पर है बड़ा सा फाउंटेन। ये देखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इधर से जाएंगे पक्षी विहार की तरफ अंदर। बाकी ये फाउंटेन देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतना प्यारा सा फाउंटेन चल रहा है, और जो फुहारे का जो हल्का हल्का छीटा है ना, वो पड़ रहा है चेहरे पे, मज़ा आ रहा है, एक नंबर लग रहा है। तो अभी पहुंच चुके हैं पक्षी विहार के पास। ये पक्षी विहार का एंट्री गेट है, अभी अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इधर हिरण को रखा गया है। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ पक्षियों को रखा गया बोलते हैं, लेकिन हिरण और कछुआ ऐसे दो ठोक यहाँ है जानवर जो पक्षियों के बीच में रखा गया है। इसे देखिए, अंदर में हिरण है, 1 2 3 4 5 6 हिरण है अंदर में। नहीं बंदर नहीं, चिड़िया बस। तो चलते हैं पक्षी विहार के अंदर, आराम से चल। इस तरह से यहाँ पर गेट है, ये गोल रहा है, और ये जाली वाली लगा दिया गया है ताकि जितने भी पक्षी अंदर में खुले में घूम रहे हैं वो उड़ के ना भागे। ये देखिए, पूरा एरिया में जाली लगा हुआ है, और इधर भी जाली लगा हुआ है, चारों तरफ जाली लगा हुआ है, और अंदर में पक्षी जो हैं वो खुले में घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इसको बोलते हैं कोनूर। इधर एक और घूम रहे हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे खाने वाना खा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, उड़ के भाग गए। बेयर आइड कोकेटू, और ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ये सामने आ गया। तोता जैसे दिख रहा है ना, तोता, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, वो ऊपर में बैठा है, रंग बिरंगे। में बहुत सारे बतखों को रखा गया है, ये देखिए, बीच में दो वाइट वाले बतख हैं और बाकी सब काले वाले बतख हैं। ये बना हुआ है, और इधर सब बैठे हैं, मस्त दिख रहा है। रखा गया है पंजाबी चीज़ें अंदर में, और इधर रखा गया है जंगली मुर्गा को, यह है जंगली मुर्गा। यहाँ पर तीतर को रखा गया है, ये पर्दा की वजह से नहीं दिख रहा है। इधर रखा गया है रॉक पिजन, कबूतर, कबूतर, कबूतर।
घर में तोता है। हाँ, पैरों वाले। इधर क्या है भाई? ब्लैक विंड काइट, वो अंदर में दिख रहा है। पिंजड़े में रहने वाले पक्षी देखते हैं। यहाँ पर लाहौरी पिजन है। वाओ, ठंडा में रहते हैं कूलर के सामने। उधर का हवा खा रहा है। ऊपर वाला को देखिए, इसका पंख बहुत खूबसूरत लग रहा है, वाइट वाइट। और कूलर लगा है इधर, बड़ा सा कूलर लगा है। यहाँ पर एक बड़ा सा कूलर लगा है और कूलर का हवा खा रहे हैं वो लोग, क्योंकि ये लोग गर्मी में नहीं रहते, ठंडा में रहते हैं। पाइनएप्पल कोनूर, कहाँ है भाई पाइनएप्पल कोनूर? दिख नहीं रहा अंदर में तो है, अंदर में अच्छा वहाँ पर है, नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर है बजारिका, बजरिका, बहुत सारे अंदर में। खाना खाओ, हाँ नीचे में भी है बहुत सारे। इधर है ब्लू रिक नेक पिजन, ऑस्ट्रेलियन येलो पैरेट, ऐसे दिखता है ऑस्ट्रेलियन येलो पैरेट। इसको देख लो, पागल हरकत कर रहा है, ऊपर फुहारा लगा है, उसमें मस्ती कर रहे हैं। अंदर में है तोता येलो वाला, वो बैठा है खा रहा है भाई। यहाँ पर आ गया एक तोता, स्काई ब्लू पैरेट, ये देखिए। अब आपको दिखाने वाले हैं इमू, इमू नाम का पक्षी। चला इधर आ, वहाँ पर है अंदर में इमू। ये एक आ गया सामने, देखिए इसको बोलते हैं इमू। के बारे में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया का निवासी है और ये भोजन में खाता है घास फूस फल फूल कीड़ा मकोड़ा। वो देखिए अंदर में घूम रहा है दो तीन। उधर रखा गया है मोर को, चलिए अब मोर दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए गाइस, यहाँ पर रखा गया है मोर को और अंदर में बहुत सारे मोर हैं। वहाँ पर दो मोर मस्ती कर रहे हैं, एक पंख निकाल दिया अपना। यहाँ पर आया है बड़ा वाला मोर, देखिए इसका पंख, अरे बाप रे, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। वाह, इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसका पंख देखिए भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर का कलर देखिए ब्लू वाला। अंदर में बहुत सारे मोर को रखा गया है। वाला जो मोर है ये सबसे बड़ा मोर है। और यहाँ पर बहुत सारे बतखों को रखा गया है, देख सकते हैं कितना सारा बतख है। धीरे धीरे इसका संख्या बढ़ते जा रहा है, प्रजनन करते जा रहे हैं तो बढ़ते जा रहा है संख्या इन लोगों का। देखिए कितने सारे हैं अंदर में। अभी आपको उधर लेकर चलेंगे, उधर शुतुरमुर्ग वगैरह भी दिखाएंगे और साथ ही साथ कछुआ वगैरह भी दिखाएंगे। और भी बहुत सारे जो पक्षी हैं रखे गए हैं वो सब चीज़ दिखाने वाले हैं। तो कछुआ रखा गया है यहाँ पर, तो देखते हैं कछुआ देखने को मिलता है या नहीं। वो है कछुआ बीच में, लेकिन इससे बड़ा बड़ा कछुआ तो सैरोना में है भाई। यहाँ का गार्डन देखिए, गार्डन बहुत ही खूबसूरत है। इधर भी गार्डन है, इधर भी गार्डन है, चारों तरफ गार्डन ही गार्डन। और गार्डन के फूल में देखिए तितली बैठा हुआ है, मस्त लग रहा है। देखिए तितली बैठा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। ये एक और तितली, भयंकर सारी तितली बैठी। सीधा सीधा चलते हैं, उधर क्या रखा गया देखते हैं। इधर तो पूरा गार्डन वाला एरिया है और इधर भी कुछ पक्षियों को रखा गया, देखते हैं। अरे यहाँ पर रखा गया है शुतुरमुर्ग को,
वहाँ का शुतुरमुर्ग इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये आ रहा है सामने, ये आ रहा है सामने शुतुरमुर्ग। वाह बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई, ये सामने आ गया फ़ोटो खिंचाने के लिए लग रहा है भाई। ये फोटो खिंचाने के लिए देख चावने के लिए कर रहे हैं। पानी है पैर लंबा लंबा रहता है उसके। तो शुतुरमुर्ग देख लिए हैं, अब आपको उधर लेकर चलते हैं। उधर और भी कौन से जानवर को रखा गया है, कौन से पक्षी को रखा गया है, वो चीज़ दिखाने वाले हैं। जानवर तो नहीं है, पक्षी ही देखने को मिल सकता है शायद। ये वाला शुतुरमुर्ग देखिए एक और, इधर ही आ रहा है भाई सामने में, मस्त दिख रहा है। अब शाम के 6 बजने वाले हैं और 6 बजे नंदनवन चिड़ियाघर जू बंद हो जाता है। अभी अंदर में जब हम लोग थे तो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं कि बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि नंदनवन जू जो है वो 6 बजे बंद होता है, लगभग 6 बजने वाले हैं। तो आप जब भी आते हैं तो और भी जल्दी आइए ताकि एंजॉय कर पाएंगे, यहाँ पर घूम पाएंगे। और मंडे के दिन ये चिड़ियाघर जू बंद रहता है, मंडे के दिन मत आइएगा, बाकी आप किसी भी दिन आ सकते हैं। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।